इनको साइड कर देते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गन ग्रो अप न्यूट्रिशन। बात करेंगे हम फैट के ऊपर, जो कि हॉट टॉपिक है हर समय हर टाइम। जब भी आप बात करो फैट के ऊपर तो हर किसी के पास कोई ना कोई टॉपिक होता है और हर किसी को जरूरत है इस पे बात करने की, क्योंकि हर कोई होना चाहता है पतला और फिट। अब फैट पे बात ऐसे करेंगे क्योंकि जो आज की जनरेशन है, जैसे फीमेल है या मेल है कुछ भी, वो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पे वो अपने आप से कर रहे हैं धोखा, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जब वो फास्टिंग करते हैं तो वो पूरा दिन स्किप कर देते हैं कुछ ना कुछ खाना, अच्छे से फास्टिंग करते हैं ये वो, मतलब हर कुछ करते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी मील होती है ना, होती है बर्गर पिज्जा और चिप्स, पता नहीं क्या क्या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और जब आप भूखे रहने के बाद ऐसी चीजों को खाते हैं तो आपके पेट में जाती है, तो वो चीजें बोलती हैं हाँ हम तुम्हारे पेट में आ गए और हम तुम्हें करेंगे बहुत ज्यादा फैटी और बल्की। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रह लोगे तो आप पतले हो जाओगे, आपको उसके बाद भी बहुत अच्छा खाना पड़ेगा। जो आपकी फर्स्ट मील होती है उसमें प्रोटीन कार्ब्स बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। सो मेरी बात को ध्यान से याद रखें, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो उसको बेकार ना करें, अपनी मेहनत को खराब ना करें। अगर आपने इतनी मेहनत की आप भूखे रह रहे हो तो उसके बाद आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खाएं, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, कार्ब्स अच्छे होने चाहिए, फैट भी सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कुछ भी खा रहे हो, जो खा रहे हो वो अच्छी जगह से आना चाहिए, उसका सोर्स अच्छा होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट ले पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे।